मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ सिपाही दिखाए जाते हैं जिन्हें दुश्मनों ने जंग में हरा दिया था, इसीलिए वो अपने किंगडम अपने राज्य का शाही सोना एक जहाज में डालकर समुद्र में छुपा रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि दुश्मन उनके सोने को भी चुरा लेंगे। दूसरी तरफ कुछ टाइम बाद एक और बहुत बड़े जहाज में कुछ चोरों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। न तो उनके पास खाने के लिए कुछ था और न ही पीने के लिए साफ पानी। उन चोरों का लीडर मरने वाला था, पर तभी वहाँ पर एक तीसरा जहाज आता है जिस जहाज की कैप्टन एक लड़की थी। वो इन लोगों पर तरस खाकर इनको अपने जहाज में बिठा लेती है और इसी तरह 3 महीने गुजर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी उनसे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन लोग हो। इस बात पर वो कैप्टन लड़की जवाब देती है कि हम भी चोर ही हैं, लेकिन बस हम लोग सिर्फ जापान के जहाजों को लूटते हैं। इस बात पर वो आदमी कहता है यही तो तुम्हारी गलती है, समुद्री लुटेरे तो हर जहाज को लूटते हैं। उनकी बातों के बीच उनको दूर से एक जापानी जहाज आता दिखाई देता है जिसे देखकर सब खुश हो गए थे। यही पर चोरों का लीडर उनसे कहता है ये जहाज तो मैं लूटूंगा क्योंकि मैं बहुत अच्छा तलवारबाज हूँ, यानी वो कहना चाह रहा था कि मैं बहुत अच्छी तलवार चलाता हूँ। वो चोरों का लीडर उस जहाज में चला जाता है और जो जापानी लोग थे उनसे लड़ता है। कैप्टन लड़की भी उस जहाज में आ जाती है और उनसे लड़ती है। अब सब लोगों को मारने के बाद जब इनका एक आदमी पूरे जहाज को चेक करता है तो वो बताता है कि इस जहाज में तो कोई भी कीमती सामान नहीं है और न ही कोई खाने पीने का सामान है। वो कैप्टन लड़की उन लोगों से पूछती है कि आखिरकार बगैर खाने पीने के तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी उनमें से एक बच्चा बताता है कि हम लोग एक खजाने की तलाश में निकले थे और रास्ता भटक गए और इस वजह से हमारा सारा खाना भी खत्म हो गया। बच्चे की बात से अब उनको भी लालच आती है और अब ये लोग उनसे खजाने का नक्शा ले लेते हैं और दोबारा से अपने जहाज में आ गए थे। कैप्टन ये डिसाइड करती है कि हम लोग इस खजाने को ढूंढेंगे। वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं जिसके बाद ये लोग उस नक्शे की मदद से समुद्र के एक किनारे पर पहुंच गए थे। वहाँ पर जो चोरों का लीडर था वो भागते हुए एक जानवर एक बैल को देखता है, कहता है कि मैं इसको पकड़ूंगा और खाऊंगा क्योंकि ये लोग सभी काफी दिनों से बहुत ज्यादा भूखे थे। इनके पास खाने का कोई भी सामान नहीं था और ये कहकर वो उस जानवर बैल को मारने के लिए चला जाता है उस जगह जहाँ पर और भी बहुत सारे बैल थे जो उसे देखते ही उसकी तरफ भागते हैं और उन सबके दरमियान वो फंस कर बाहर निकलने की कोशिश में पहाड़ी से गिर जाता है। उसके साथी समझते हैं कि वो मर गया और वो जिंदा था और एक पहाड़ी की चोटी से लटका हुआ था जहाँ उसको हाथी का एक दांत नजर आता है जिसकी मदद से वो ऊपर भी आ गया था। कैप्टन लड़की दांत को देखकर कहती है इस दांत पर तो खजाने के आगे का रास्ता बना हुआ है। वो लड़की उसे दांत ले लेती है, कहती है कि मैं ही अब कैप्टन हूँ और जिसको मेरे साथ खजाने की तलाश में चलना है चल सकता है। सभी लोग अब लड़की के कहने पर चल रहे थे क्योंकि उनको उनके लीडर से ज्यादा लड़की पर यकीन था। चोरों का जो लीडर था उसके सभी लोग उस लड़की के साथ बोट में बैठकर चले जाते हैं और वो उधर आइलैंड पर अकेला बच गया था। दूसरी तरफ हमें एक जनरल दिखाया जाता है जो अपने राजा को इस खजाने के बारे में बता रहा था और कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये खजाना कहाँ पर है। इधर वो कैप्टन लड़की अपना जहाज रोककर चोरों के लीडर का इंतजार कर रही थी लेकिन वो नहीं आता। तभी एक आदमी उस लड़की के पास आता है और बताता है कि हाथी का दांत चोरी हो गया है, दांत के बगैर खजाने तक पहुँचना नामुमकिन है, इसीलिए वो दोबारा उसी आलम पर जाती है जहाँ पर वो चोरों के लीडर को छोड़ आई थी। वो उसको एक लकड़ी के घर में मिलता है। लड़की चोरों के लीडर को बहुत मारती है और हाथी के दांत के बारे में पूछती है। वो बताता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं क्यों हाथी का दांत चुराऊंगा, मैं तो खुद तुम्हारे जहाज में छुप गया था जिसका तुम्हें पता नहीं चला। अब उनको खबर होती है कि उनका एक साथी दांत चुराकर शहर की तरफ बेचने के लिए भाग गया है। फिर हम उनके साथी उसी चोर को देखते हैं जो दांत चुराकर भाग गया था। तभी वहाँ पर चोरों का लीडर और लड़की भी आ गई थी और आदमी को पकड़ लेते हैं और आखिर उनका दांत भी मिल जाता है। कहानी दोबारा से वहीं से शुरू होती है जहाँ पर राजा और जनरल खजाने के बारे में बात कर रहे थे। जनरल ने सारी बात बताई थी। राजा उससे पूछते हैं कि तुम्हें खजाने का कैसे पता चला। वो बताता है जिस सिपाही ने खजाना छुपाया था मुझे उसकी वाइफ से पता चला है, ये लोग भी अब खजाने की तलाश में निकल जाते हैं। उधर उस कैप्टन लड़की का एक साथी उस दांत पर लिखे हुए लफ्जों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था और तभी चोरों के लीडर को बात समझ आ जाती है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि जगह कहाँ पर है। ये लोग उस जगह पर निकल जाते हैं जो जगह समुद्र के दरमियान में थी। ये
हैं, लोग अपने बोट से कूदकर समुंदर के अंदर जाते हैं। वहाँ पर उनको बहुत सारी जेली फिशेस दिखाई देती हैं, क्योंकि उनको समुंदर में एक रास्ता नजर आता है। वो लोग उस रास्ते से एक केव में पहुँच गए थे, पर यहाँ पर उनको कुछ भी नहीं मिलता। तभी वो चोरों का लीडर उस लड़की से कहता है, तुम सबके कैप्टन बनती हो ना, चलो रास्ता बताओ सबको खजाने का। इस बात पर उस लड़की के एक साथी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चोरों के लीडर को मारता है और वो उस आदमी को दूर फेंक देता है, जिससे कि वो उस केव का रास्ता खुल गया था। वो लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं, उनको चांदी के अलावा कुछ नहीं मिलता। उसको देखकर सभी खुश हो रहे थे, पर तभी चोरों का लीडर कहता है कि ये असल खजाना नहीं है, खजाना तो कहीं और छुपा हुआ है। और तभी उन लोगों को उधर एक झंडा नजर आता है, जिस पर ड्रैगन बना हुआ था। जब वो लोग उस झंडे को गौर से देखते हैं, तो उस झंडे पर जो ड्रैगन बना हुआ था उसमें एक नक्शा था। और तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। ये ब्लास्ट उसी राजा के जनरल ने किया था जो खजाने की तलाश में था। यहाँ पर जनरल के सिपाहियों और चोरों के लीडर के दरमियान में लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर पता चलता है कि जो राजा का जनरल था उसकी चोरों के लीडर के साथ पुरानी दुश्मनी थी। ये दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा लड़ते हैं। तभी चोरों का लीडर चांदी के संदूक को एक रस्सी से अपनी कमर पर बांध लेता है और उसी पानी में कूद जाता है जहाँ से उन्हें केव का रास्ता मिला था। वो उस संदूक की वजह से पानी की गहराइयों में चला गया था, और कैप्टन लड़की उसको बचा लेती है, मगर उसको बचाते हुए वो खुद भी डूब रही थी। जिसके बाद एक बहुत बड़ी वेल आकर उनको अपने मुंह में डाल लेती है। उस वेल का पेट भर जाता है, जिससे कि वो दोनों अपने जहाज में वापस आकर गिरते हैं। उधर केव में उस राजा के सिपाहियों को जो खजाने की तलाश में था उनको झंडा मिल जाता है। वो समझ गए थे कि असल खजाने का रास्ता यही है। इधर जहाज पर ये लोग भी उस झंडे को लेना चाहते थे। ये लोग उस आदमी को बांध देते हैं जिसने पहले भी हाथी का दांत चोरी किया था। इन दोनों को अभी भी अपने उस साथी परिषद था जिसने हाथी का दांत चोरी किया था। इस बार वो आदमी कहता है कि वो झंडा मेरे पास नहीं है, पर हाँ उस झंडे के ऊपर ड्रैगन के मुंह में जो नक्शा बना हुआ है मैं उसका रास्ता जानता हूँ। लेकिन वहाँ पर हर वक्त बिजली चमकती रहती है। दरअसल ये आदमी बचपन ही से पायरेट्स यानी लुटेरों के साथ था, और इस आदमी ने बचपन ही में उस जगह को देखा था, यानी कि ये लोग बगैर नक्शे के भी वहाँ पर जा सकते थे। पर ये आदमी इन लोगों के आगे एक शर्त रखता है, कहता है अगर तुम लोग मुझे इस जहाज का कैप्टन बनाओगे तभी मैं तुम लोगों को उस खजाने तक लेकर जाऊंगा। वो कैप्टन लड़की उसको अपनी जगह पर कैप्टन बना देती है और खुद सबके लिए खाना बनाने जाती है, पर वो लड़की जो खाना बनाती है वो बहुत बुरा होता है। सब लोग उस खाने को थूक देते हैं, पर यहाँ पर जो चोरों का लीडर था उसकी बहुत तारीफ करता है क्योंकि वो उसको पसंद करने लगा था। जिसके बाद ये लोग अब उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत तेज बिजली चमकती थी और हर वक्त तूफान आता रहता था। तभी उनके जहाज पर बिजली गिरती है जिससे कि उनके जहाज को बहुत नुकसान होता है। उधर राजा का जनरल भी अपने जहाज को वहाँ पर ले आया था क्योंकि उसको वहाँ पर झंडा मिल गया था जिस पर नक्शा था। उसने अपने जहाज के साथ बहुत सारी पतंगे बांधी हुई थी और इस तरह उसके जहाज को कोई भी नुकसान नहीं होता। इस तूफान का सामना करने के बाद वो लड़की और चोरों का लीडर एक आइलैंड पर पहुँच गए थे। उन्हें एक बहुत ऊंचा पहाड़ नजर आता है जिस पर बिजली गिर रही थी। ये दोनों समझ गए थे कि खजाना उधर ही है। चोरों का लीडर उस लड़की को वहीं पर छोड़कर खुद उस पहाड़ पर जाता है। उधर दूसरी तरफ वो आदमी जो कैप्टन बनकर इन लोगों को अपने साथ लेकर आया था, उसके फजूल ऑर्डर की वजह से सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और उसको मार रहे थे। और तभी वो एक पेंगुइन के मुंह में सोना देखता है। वो अपने बाकी साथियों को भी बुलाता है, पर वो पेंगुइन वहाँ से जा चुका था। उसके सभी साथी ये समझते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। तभी वो पेंगुइन वहाँ पर दोबारा आ गया था। सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने खजाना ढूंढ लिया। उधर दूसरी साइड पर उन चोरों का लीडर भी पहाड़ पर पहुँच गया था, मगर अब वहाँ पर राजा का जनरल भी था। वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर बिजली चमक रही थी और उस बिजली की वजह से जनरल के बहुत सारे साथी मारे गए थे। पर वहाँ पर एक जगह ऐसी थी जहाँ पर बिजली नहीं पड़ रही थी। जनरल ये सोचता है कि क्या पता यहाँ पर खजाना हो। उसके आदमी उस जगह को खोदने लगते हैं, पर वहाँ पर उनको कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एक संदूक के जिस पर ड्रैगन बना हुआ था। पर तभी ये लोग उस लड़के को भी देख लेते हैं जो चोरों का लीडर था। जनरल के आदमी उस लड़के पर तीर चलाते हैं जिससे कि
ही वो नीचे गिर जाता है। फिर उसने अब उस जनरल से ड्रैगन का मास्क चुरा लिया था। वो जनरल से कहता है कि अगर तुम्हें वो मास्क व मखोटा चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा। उधर जनरल के आधे लोग कैप्टन लड़की के जहाज पर हमला कर देते हैं। तभी वो लड़की वहाँ पर अपने और साथियों को ले आती है ताकि वो अपने जहाज को बचा सके। उधर चोरों के लीडर और जनरल के दरमियान में लड़ाई हो रही थी और इसी लड़ाई के दौरान वो ड्रैगन मास्क और मखोटा पानी में गिर जाता है। उधर वो आदमी जो कैप्टन लड़की के साथ था और सबको यहाँ पर लाया था, उसने उस पेंगुइन के पाँव पर रस्सी बांध ली थी जिसके मुंह में सोना था। वो पानी में चली जाती है और तभी वो आदमी भी उसके पीछे चला जाता है। उसको समुन्द्र में ड्रैगन मास्क भी मिलता है जो पानी में गिर गया था। अब जब वो उस ड्रैगन मास्क को उठाता है तभी उसको अपने सामने वैसे ही केव नजर आता है। वो आदमी जब उस केव में जाता है तो उसको खजाने से भरा हुआ एक जहाज मिलता है। वो उस जहाज को लेकर उस कैप्टन लड़की के पास आ जाता है जो उनकी लीडर थी। उधर चोरों के लीडर और जनरल के दरमियान में लड़ाई हो रही थी पर वहाँ पर तेज बिजली और अपनी तलवार के वार से चोरों के लीडर ने जनरल को मार दिया था। वो चोरों का लीडर उस कैप्टन लड़की के पास आ जाता है जो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी अपने जहाज को बचाते हुए। इन सबको खजाने से भरा हुआ जहाज मिल गया था और ये सब लोग खजाने को लेकर खुशी खुशी अपने घर जा रहे थे। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। कैप्टन लड़की और चोरों के लीडर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।